नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। आज की हम हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेहद ही आसान ट्रिक के साथ हम ज्ञात करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब है रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रीजनिंग के बेस पर हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ध्यान से आसान सी ट्रिक को आसानी से समझेगा और टॉप 5 क्वेश्चन को नोट जरूर करेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम ओनली फॉर रिवीजन करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को। यदि निम्नलिखित पदों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। हमें ऑप्शन में 5 वर्ड दे रखे हैं, देखिएगा। एक है सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध और न्याय। इनको सार्थक क्रम में रखकर तरंग संगत, अर्थात हमें सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें ये तरंग संगत रख के हमें ऑप्शन में आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तभी उसको जेल होगी या उसका न्याय में जाएगा या उसको सजा होगी। तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा, एक अपराधी होगा, वो क्या करेगा, सर्वप्रथम अपराध करेगा। इसका मतलब पहला कोड कौन सा आएगा, पहला कोड आएगा 4 नंबर, अपराध। ठीक है, फिर देखिए, अपराध करेगा, अपराध करने बाद उसको पुलिस आएगी या उसको क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। तो ठीक है दोस्तों, 4 के बाद गिरफ्तार कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर देखिए दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद वो उसको न्यायालय में न्याय के लिए जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद कौन सा आएगा, 5वां, ठीक है, न्याय आएगा, न्याय के लिए आएगा। तो न्याय करने वाले जज वो उसको क्या देंगे, सजा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या देंगे, सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, सजा कहाँ काटी जाती है, सजा दोस्तों काटी जाती है जेल के अंदर। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी, जेल आ जाएगी। जेल कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 3 5 1 2 इसका तर्क क्रम संगत होगा। ध्यान से देखिएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, 4 3 5 1 2। ध्यान से देखिएगा, पहले तो अपराधी अपराध करेगा, फिर उसको क्या करेगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर वो न्याय चक्कर न्याय के न्यायालय में जाएगा, जज के सामने, जज उसको क्या सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे अपराधी होने के कारण, और अपराधी को फिर कहाँ लेके जाएगा सजा काटने के लिए, जेल के अंतर्गत लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान से देखिए, एक बार एरो बन के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये ऐसा एरो है, ठीक है दोस्तों, अपराध, तो ये पहले इस अपराध की डायरेक्शन, अपराध के बाद क्या होगा, गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार के बाद देखिए ये न्यायालय में जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में जाते ही जज साहब इसको क्या सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे, और सजा के बाद डायरेक्ट ये जेल में जाएगा सजा काटने के लिए। तो 4 3 4 3 अपराध, फिर गिरफ्तार, फिर जाएगा 5 में न्याय के लिए, फिर सजा सुनाई जाएगी 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में इसकी क्या होगी, जेल होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा और आपने नोट जरूर किया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, अगली संख्या हमें कौन सी होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली संख्या कौन सी होने वाली है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले हम संख्याओं को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 1 5 14 13 30 55 और 91 और क्वेश्चन मार्क जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इन संख्याओं के बीच में अंतर देखेंगे। 1 और 5 के बीच में अंतर है 4 4 का, 5 और 14 के बीच में किसका अंतर है, 9 का। ठीक है दोस्तों, फिर 14 और 30 में किसका अंतर है, 16 का। फिर 30 और 55 में किसका कितना अंतर है, 25 का। और 55 और 91 में कितना अंतर है, 36 का। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें और इस कौन सी संख्या में कितना अंतर आएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 9 16 55 और 36 है।
देखिए दोस्तों, ये किसी की वर्ग संख्या है। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर। तो ये कंटिन्यू चल रही है, 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन मार्क 91 और इस क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या के बीच में किसका अंतर आएगा? 7 के वर्ग का स्क्वायर आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 का वर्ग होता है, यहाँ पे 6 तक चलती है और यहाँ पे 7 का आता है कंटिन्यू। तो 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 7 का वर्ग होता है 49। 49 और 91 को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। और यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आने वाली है? 140, 140 यहाँ पे अगली संख्या आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, बी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख, देखिए दोस्तों किसके बेस पर आएगा वैन आरेख? वैन आरेख बताइए, वैन आरेख आए तब हमें दिए गए वर्डों या शब्दों पर गौर करना है दोस्तों। ध्यान से उन तीनों वर्डों को, या 4 वर्ड दे रखे, 3 वर्ड दे रखे, उनको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, पहले गौर करेंगे हम आम, फल और सब्जी। ठीक है दोस्तों, आम आम है दोस्तों, फिर है फल। देखिएगा दोस्तों, देखिए यह आम है, ये फल है, सब्जी है। ठीक है दोस्तों, फल के अंतर्गत क्या आता है? फल के अंतर्गत आम आता है, आम फलों का राजा होता है, ये आम आ जाएगा फल में। फिर ये सब्जी है, सब्जी फल के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बीच वाला वर्ड हमें गौर कर रहा है कि फल, तो मोटिवेट बड़ा कौन सा हो जाएगा? फल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फल के अंतर्गत क्या आता है? आम एक फल है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत, इसके अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर सब्जी एक अलग टाइप की है, ना तो ये फल है ना किसी प्रकार का आम की से रिलेशन रखता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका ये अलग डायग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, बी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, 1 2 3, 3 स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, एक नीचे गई, ठीक है। यदि पासे की ऊपर की संख्या 2 है, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 स्थितियां हमें दर्शा दी गई है, तो पासे में निचली संख्या पता लगेगी। 4 स्थितियां दर्शा दी गई है और हमें नीचे वाली संख्या का पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ऊपर की संख्या हमें, देखिए दोस्तों पास एक पास से उछालने पर उसकी प्रायिकता कितनी होती है दोस्तों? उसकी प्रायिकता होती है टोटल 36 होती है, 6 का स्क्वायर। लेकिन एक पास में कितनी संख्या होते हैं? पास में कितनी संख्या होती है? टोटल 6 संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कौन से 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार के हम ऊपर वाली संख्या तो 2 दे रखी है, देखिए नीचे वाली संख्या कौन सी दे रखी है? देखिए दोस्तों, ऐसे में डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो नीचे वाली संख्या 4 होगी। लेकिन हम एक आसान सी सॉल्व ट्रिक से करेंगे, हम इसे किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए पहले इन दिए गए डायग्रामों को देखिए। देखिए इसमें यहाँ 3 है 6 है 4 है, 5 है 3 है 4 है, 1 है 5 है 4 है, 6 है 1 और 4 है। इस प्रकार हम एक इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि इन आकृतियों में से अधिक बार संख्या कितनी बार आई हुई इन डायग्राम में। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए पहले देखते हैं 3 3, 1 बार आ रखा है, 2 बार आ रखा है। ठीक है दोस्तों, 3 2 बार आ रखा है। फिर हम चेक करते हैं 6 को, 6 1 बार, ये 2 बार आ रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं 5 को, 5 इसमें नहीं है, ये 5 है, ये 5 भी 2 बार आ रखा है, लेकिन ये भी नहीं। फिर अब ज्ञात करते हैं, फिर देखिए 4 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, चारों डायग्राम में 4 बार आ रखा है 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको ज्ञात करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, एक पासा है, पासे को उछालने की कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, सॉरी 6 अंक होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 3, फिर 6 तो आ गए यहाँ पे, फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों, पुनः देख लेते एक बार, टोटल 6 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 6 आ गए यहाँ पे, ये 6 का 6, यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई? 3 आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आ गई 5, फिर यहाँ पे आ गई 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गई 4।
तो पीछे नीचे वाली संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, नीचे वाली संख्या आएगी चार दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अधिक बार आने वाली संख्या चार होती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ में देखिए छः आ रखा है, तीन आ रखा है, चार आ रखा है, और नीचे ऊपर वाली संख्या कितनी है, दो होगी। इतनी अधिक बार, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे पास में छह संख्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर वाली देखिए, एक पास से को लेते हैं, एक पास में यहाँ मतलब कि यहाँ ले लेते हैं या इसमें ले लेते हैं, कोई भी। इसमें छः आ रखा है, फिर कौन सी पासों में देखिए, इसमें तीन आ रखा है, इसमें फिर पांच आ रखा है, फिर देखिएगा एक आ रखा है, और यहाँ पे दो आ रखा है ऊपर वाली संख्या। तो पीछे वाले पासे में छह संख्या होती है, पीछे कौन सी संख्या बची, चार संख्या बची। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या कौन से क्वेश्चन मार्क, यहाँ से हमें क्वेश्चन मार्क संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीच में 10 है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क ज्ञात करने के लिए दे दिया है। ठीक है दोस्तों, इन चारों संख्याओं का क्या किया जाए, कि यहाँ 10 आया हुआ है, इन चारों संख्या से क्या किया है, 24 आया है। इसी प्रकार इन चारों से हमें क्वेश्चन मार्क संख्या ज्ञात करनी है। चलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम शुरुआती में क्या करते हैं, योग करते हैं, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 और 0 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं, ये ट्रिक होती है नहीं, 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 और 6 कितने होते हैं, 18 और 6 होते हैं 24, 24 और 2 कितने होते हैं, 26, 26 में से 2 जाएंगे पीछे, कितने बचाएंगे, 24 बच जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारी ट्रिक काम कर गई है, योग करो और उसमें से 2 माइनस कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 14 में जोड़ेंगे हम 12, 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, 26 में 10 जोड़ेंगे 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 38। तो इस क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सी संख्या आई थी, 38 आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा हमारा, ए गलत, बी गलत, डी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट और अंतिम सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको एक आसान सी ट्रिक के साथ कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, 48 + 18 = 30 तथा 27 + 15 = 12 हो तो 55 + 20 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योग करते हैं तो अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 18 और इसको जोड़ते हैं तो 56 हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ इसको जोड़ेंगे नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सिंबल लगाते हैं माइनस का। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लगाते हैं माइनस का, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 30 बचेगा, 27 में से 15 जाएगा 12 बचेगा, इसी प्रकार 55 में से 20 जाएंगे, देखिए 5 बचेंगे, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 जाएंगे, पीछे कितने बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, 35 आने वाली है। जो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ए गलत, सी गलत, डी गलत। चलेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगामी कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो तो हम आपको वीडियो अपलोड करा सके और आप आसानी से तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, एक लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।